क्या आपको पता है कि राज्यसभा में लाल और लोकसभा में हरे रंग का कारपेट क्यों बिछा होता है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या है लॉजिक? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। दरअसल संसद के दोनों सदनों का महत्व अलग अलग है और दोनों सदनों के सदस्य चुने जाने का प्रोसेस भी अलग अलग है। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य जनप्रतिनिधि की तरफ से चुने जाते हैं। यानी कि लोकसभा सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसे जमीन से जुड़े होने का प्रतीक बताने के लिए हरे रंग का इस्तेमाल किया जाता है। जमीनी स्तर यानी कि कृषि आदि को हरे रंग से डिफाइन किया जाता है, इसलिए हरे रंग का इस्तेमाल लोकसभा में होता है। इसके अलावा राज्यसभा में सदस्य जनप्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं और उनके वोट से लेकर उनकी गिनती के अलग अलग प्रोसेस हैं। माना जाता है कि लाल रंग राजसी गौरव का प्रतीक है और राज्यसभा को भी जनप्रतिनिधियों के अलावा स्पेशल सदस्यों वाला माना जाता है, इसलिए राज्यसभा में लाल रंग का कारपेट इस्तेमाल किया जाता है। बता दें, जिस तरह पुराने संसद भवन के राज्यसभा हॉल में लाल और लोकसभा में हरे रंग का कारपेट नजर आता था, उसी तरह नई संसद में भी नजर आएगा। गौरतलब है कि नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होना है, जिसे लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।